तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो इन्वर्टर एसीओ में R410 गैस और R32 गैस डाली जा रही है, ये क्या ख़तरनाक है, या फिर अगर ख़तरनाक है तो इसका यूज कैसे करें, मतलब ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, कोई भी दुर्घटना वहाँ पे ना हो। तो दोस्तों, इस गैस को लेकर के सारे टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब कि इसको लोग बम समझ चुके हैं कि ये एक बम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये जो गैस है ना, इस गैस को भी चार्ज करने का कुछ रूल है, अगर उस रूल को फॉलो करके आप गैस को डालेंगे एसीओ में तो कोई भी दुर्घटना नहीं होने वाली है और आप R22 गैस की तरह इसको चार्ज कर सकते हैं अपने एयर कंडीशनर में। तो चलिए मैं बताता हूँ रूल क्या है, वो जो रूल है उसको आपको फॉलो करना होगा, बस ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो गैस है ना, इतनी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं, जितना सारे लोग आज यूट्यूब पे बता रहे हैं कि इतना डेंजरस ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको अभी जो रूल बताने वाला हूँ, उस रूल को अगर आप सिर्फ फॉलो कर लेंगे तो जिस तरीके से आप R22 गैस को चार्ज करते थे, सेम उसी तरीके से आप लोग अब R410 गैस और R32 गैस को भी चार्ज करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको उस रूल को बताने जा रहा हूँ, उस रूल को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, जो हमारी R410 गैस है ना, ये दो गैसों से मिलके बनी होती है, एक है R32 और एक है आपकी R125A, मतलब R32 और R125 गैस से मिल करके ये हमारी R410 गैस बनती है। मतलब ये कि 50% ये रहेगा और 50% ये वाली गैस आपकी रहेगी। इन दोनों गैसों को 50-50% मिला करके R410 गैस बनती है। तो यहाँ पे जब आप R410 गैस चार्ज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो रूल फॉलो करना है वो ये है कि जब भी आप R410 गैस को चार्ज करेंगे सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको सिलेंडर को उल्टा करके चार्ज करना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास, देखिए, एक छोटा सा सिलेंडर है R22 का, तो ये मान लीजिए एक सिलेंडर आपका है, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर को ऐसे सीधा करके नहीं चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे और लिक्विड फॉर्म में आप लोग गैस को चार्ज करेंगे, R410 गैस को। अगर आप इसको सीधा करके गैस चार्ज करेंगे ना, तो क्या होगा, ये वेपर में गैस अंदर जाएगी, मतलब सिस्टम में अंदर गैस जाएगी ये वेपर में, और वेपर में जब जाएगी तो जिस गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा वो गैस ज़्यादा सिस्टम में चली जाएगी, मतलब एसी में चली जाएगी, और जिसका प्रेशर कम रहेगा वो गैस कम अंदर जाएगी, इससे कि कूलिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो कूलिंग अच्छी ना होगी। इसलिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको जब उल्टा कर देंगे तो ये आपस में घुल जाएंगी दोनों गैसें, मतलब आपस में घुल मिल जाएंगी, और उसके बाद दोनों गैसें, मतलब इसमें जो दो गैस मिलकर बनी है ना, R32 और R125, ये दोनों गैसें एकोरेट एक समान मात्रा में सिस्टम के अंदर जाएंगी, जिससे कि आपका सिस्टम अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा और कोई डेंजरस भी यहाँ पर कुछ भी डेंजर भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप 410 गैस को चार्ज करिए, तो यहाँ पे आप लोग एक काम करिए, वो काम ये है कि देखिए उसके सिस्टम के कितना गैस लिखा गया है। अगर उस एसी पे 700 या 750 ग्राम गैस या जो भी गैस लिखा गया है, तो उतना गैस जितना लिखा है उतना ही गैस आप अपने बाटल में उसको भरवा के लेके आएंगे। जितना गैस पे लिखा है सिस्टम पे, उतना गैस आप जाएंगे मार्केट से वजन करा के उतना गैस लेके आएंगे बाटल में, और वो सारी गैस उसमें फिलअप कर देंगे, मतलब एसी में, जिस एसी पे जितना गैस लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अब गैस ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आएगी कहाँ से। और दूसरी चीज़ जो है ये समझिएगा, अगर मान लीजिए आपको प्रेशर से गैस चार्ज करना है, मान लीजिए आपका कोई बड़ा सिलेंडर है, उसमें गैस भरवा ली है, ज़्यादा गैस है, और आप चाहते हैं कि हम प्रेशर से गैस चार्ज करें, तो प्रेशर से जब गैस चार्ज करेंगे तो वहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, 410 गैस का रनिंग प्रेशर 120 से 150 PSI होता है, लेकिन आपको इसमें जब भी गैस चार्ज करना है ना, तो 120 से लेकर के 130 PSI इसमें गैस चार्ज करना है, तो यहाँ पे कोई भी दुर्घटना नहीं होने वाली है। तो कितना चार्ज करेंगे, 120 से 130 PSI तक गैस चार्ज करेंगे, 120 से लेकर के 130 PSI
आई तक। मतलब ये है कि 120 से 130 पीएसआई के अंदर में ही गैस चार्ज करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने का कोई चांस भी नहीं होगा और वहाँ पे कोई भी चीज़ ब्लास्ट होने का कोई भी डर नहीं है, एकदम इजीली आप गैस चार्ज कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ये है कि जब भी इसमें गैस चार्ज करना है दोस्तों तो उसमें आपको लिक्विड फॉर्म में मतलब कि सिलेंडर को उल्टा करके चार्ज करना है, जिससे कि R32 और R125 गैस दोनों आपस में घुल जाएंगे और एकोरेट एक समान सिस्टम के अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है, जब भी इसमें गैस चार्ज करना है R410 वाले सिस्टम में तो वहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि AC पे कितना ग्राम गैस लिखा है। जितना ग्राम गैस लिखा है उतना ही ग्राम अपने बाटल में गैस भरवा के लेके आएंगे और वो सारा गैस इसमें डाल देंगे, चार्ज कर देंगे। और किसी वजह से अगर आप ज़्यादा गैस भरवा लिए, 2-3 ACO का बड़ा सिलेंडर आपके पास, 2-3 ACO गैस भरवा लिए है तो वहाँ पर अगर आप प्रेशर से डालना चाहते हैं तो आप 120 से 130 PSI के अंदर में ही उसका रनिंग प्रेशर रखिए, जिससे कि ये एक्यूरेट गैस चार्ज हो जाएगी और इसमें क्या होगा, कोई भी दुर्घटना होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो ये R410 गैस को डालना एकदम इजी है, बस आपको इन तीनों रूलों को अच्छी तरीके से फॉलो करना है। कुछ भी डेंजरस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आग लग जाएगा, कुछ ऐसा दिक्कत। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब भी आप 410 गैस को चार्ज करेंगे तो ये गैस फ्लेमेबल होती है, आग लगने का चांस इसमें ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप कोई भी आग वाली चीज़ ना लेके जाएं, बस ये ध्यान रखना है। बाकी कोई भी खतरा नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, आसानी से आप गैस चार्ज इसमें कर सकते हैं। चलिए, अब तो ये R410 गैस का जो प्रॉब्लम था ये तो ख़त्म हो गया ना। अब दूसरा गैस हमारा है R32। तो R32 गैस में दूसरी गैस और नहीं होती है, ये अकेले मतलब इसमें जो गैस होती है ये अकेले ये R32 गैस ही होती है। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो सीधा करके भी गैस चार्ज कर सकते हैं सिलेंडर को, और चाहते हैं तो उल्टा करके भी आप इसको गैस चार्ज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उल्टा करके गैस चार्ज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप सीधा करके डालते हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये सिंगल मतलब सिंगल गैस है, इसमें दूसरी गैस कोई नहीं मिक्स है। तो इस गैस को चार्ज करने के लिए अब यहाँ पे भी ध्यान आपको देना है कि इसके सिस्टम पे कितना ग्राम गैस लिखा है। मान लीजिए कि अगर 800 ग्राम इस पर लिखा है गैस, तो 800 ग्राम गैस यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब AC पे, तो आपको 800 ग्राम गैस लेके आना है और उसके बाद वो सारी गैस इसमें डाल देनी है। और अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा गैस उसमें सिलेंडर में भरवा लिए हैं तो अगर प्रेशर से डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इतना ही प्रेशर इसमें भी डालेंगे, कितना, 120 से 130 PSI इतना ही गैस इसमें भी चार्ज करेंगे। मतलब ये है कि जो इसका प्रेशर दोनों सेम ही लगभग होता है दोस्तों, तो आपको जब भी R32 गैस चार्ज करनी हो या R410 एक गैस चार्ज करनी हो तो इन दोनों का प्रेशर जो रखना है ना वो 120 से 130 PSI के बीच में रखना है। तो यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, कोई भी संभावना ऐसा नहीं होने वाला कि गैस ज़्यादा हो जाएगी या कोई दिक्कत आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। आपको इतना ही PSI प्रेशर रखना है जिससे कि आपका सिस्टम अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। और ये जो R32 गैस है ये भी फ्लेमेबल है, मतलब इसमें भी आग लगने का चांस होता है, तो यहाँ पे भी आप कोई भी आग वाली चीज़ ना लिख जाए। जब गैस चार्ज कर रहे हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग वगैरह ना करें, वहाँ पे कोई सिगरेट वगैरह पी रहा है तो उसको हटा दें वहाँ से, बस इतना ध्यान देना है और आसानी से आप सिस्टम में गैस ऐसे चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो लास्ट रूल है वो ये है कि पहले इन दोनों गैस को जब भी किसी सिस्टम में गैस चार्ज करिए तो उन अगर ये दोनों गैसें हों तो वहाँ पे पहले आप क्या करिए कि सिस्टम बंद पे ही गैस डाल दीजिए, उसके स्टैंडिंग प्रेशर इतना उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। देखिए, जो R32 और R410 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर होता है ना जब AC बंद रहती है तो वो होता है 250 से 260 PSI के आसपास में ये प्रेशर होता है। तो आप 250 से 260 PSI गैस पहले डाल दीजिए, उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करिए और AC स्टार्ट करने के बाद ये देखिए कि ये जो आपकी सुई है ये 120 से 130 PSI के बीच में है या नहीं है। अगर बीच में है तो ठीक है, गैस तो हो गई, और अगर कम है मतलब 120 PSI से भी नीचे आ गई है सुई तो आपको उसमें और थोड़ा सा गैस चार्ज कर देना है। मतलब सब मिला जुला के ये करना है कि जब ये 120 से 130 PSI के बीच में सुई आ जाएगी रनिंग पे तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि हमारे सिस्टम में पूरी तरीके से गैस हो चुकी है। बस इन रूलों को फॉलो करना जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, उसके बाद आप लोग गैस चार्ज करिए। तो जिस
तरीके से R22 गैस चार्ज करते समय कोई भी खतरा नहीं होता था, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई खतरा नहीं होने वाला है। और ये जो रूल मैं आपको बताया, ये जो 20 साल 25 साल या 10 साल के टेक्नीशियन जो यूज करते हैं, मतलब जो जिनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, वो लोग भी इन्हीं रूलों को फॉलो करते हैं और बेहतरीन तरीके से उसमें गैस चार्ज करते हैं, कोई भी दुर्घटना नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी गैस चार्ज करना है। तो दोस्तों यही रूल है, तो इन रूलों को आपको फॉलो करना है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उसमें पहले अच्छी तरीके से सीखिए और सीखने के बाद उस काम को करिए, जिससे कोई भी ख़तरा आपको नहीं होने वाला है। मतलब कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं होती है जब आपको हर चीज़ समझ में आ जाती है। जब तक नहीं समझ में आया रहेगा तो उल्टा पलटा तरीके से करेंगे तो यही सब होगा कि मतलब प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।